आज हाई लेवल कमेटी के सामने मुझे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री भूपेंद्र यादव जी, भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में महामंत्री रहे पार्टी के, और ओम पाठक जी, हम सब लोग आज हाई लेवल कमेटी के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इस विषय पर अपना मंतव्य, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए आज बुलाया गया था। तो पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना व्यू पॉइंट हम सब लोगों ने रखा है। हम सब लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, बाद में पंचायतों का चुनाव, और फिर BDC का चुनाव, और फिर कभी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, ये जो अलग अलग समयों पर चुनाव होते हैं, इस कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके कारण प्रशासन और गुड गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोगों के हितों में काम करने की जो गति होती है, उसको बहुत बड़ी रुकावट लगती है, ब्रेक लगती है, और एक बार नहीं लगती है, किसी भी प्रदेश में मिनिमम 3 बार लगती है। और इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस को भी असर पड़ता है, लोगों की कार्यों को भी असर पड़ता है, आर्थिक दृष्टि से भी एक तरीके से ठहराव आ जाता है। दूसरी बात कि यह फाइनेंशियल बर्डन पार्टियों पर और सरकार पर, सब पर पड़ता है, और आर्थिक दृष्टि से भ्रष्टाचार का कारण भी बनता है। इसलिए इसके बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। तीसरी बात कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए जिन्हें बॉर्डर पर लगना होता है, जिन्हें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए लगा रहना पड़ता है, उनकी बड़ी डिप्लॉयमेंट बारंबार स्टेट्स में इलेक्शन कराने के लिए लगती है। और इसके साथ साथ जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वह भी बारंबार इसके लिए उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो जैसे बड़ी संख्या में टीचर्स लगाए जाते हैं तो एजुकेशन इफेक्ट होता है, बड़ी संख्या में हेल्थ का स्टाफ को इलेक्शन की ड्यूटी पर लगाते हैं तो उससे हेल्थ सेक्टर इफेक्ट होता है, बड़ी संख्या में हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होते हैं उनको लगाया जाता है तो उनके इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन को असर पड़ता है। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक जगत से लेकर और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने यह सिफारिश की है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कंसेंसस बनाकर परिवर्तन करना चाहिए, और उस परिवर्तन में हमारी सिफारिश है कि लोकसभा, सबसे पहली सिफारिश है कि एक ही आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स लिस्ट का होना चाहिए, विच इज़ वैलिड फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड पंचायत। देयर शुड बी वन वोटर लिस्ट फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड फॉर पंचायत, और एक साथ चुनाव होना चाहिए, यह हमारी पहली सिफारिश है। अगर इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं तो लोकसभा और विधानसभा का तो एक साथ करें और बाद में पंचायत का सोचें, लेकिन वह भी एक ही साथ सभी पंचायतों का हो, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विषय बारंबार चलेगा तो फिर वो पर्पस डिफीट हो जाएगा। लेकिन इन दी लॉन्ग रन एक ही साथ ये तीनों चुनाव होने चाहिए, ये हमारे, और इसके लिए कंसेंसस बने, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में परिवर्तन हो, डिलिमिटेशन होकर के जो एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना है वो किया जाए, ऐसी हम लोगों ने सिफारिश की है। हाई लेवल कमेटी ने हमारी बातों को बहुत गहराई से सुना है, हमें पूरा विश्वास है कि हाई लेवल कमेटी अपनी सिफारिश के साथ साथ
एक कंसेंसस बनाने का प्रयास भी होगा और सर्वसम्मति से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, इसके प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन करती है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.